गट्टू की दादी। गट्टू चिंकी काफी खुश थे और खुश होकर घर में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। पापा को कॉल आया था कि दादी गांव से उनके पास आने वाली थी। पापा बताओ ना, दादी कब आने वाली है? अरे उनकी ट्रेन छुट्टी भी नहीं और तुम शुरू हो गए। डोंट वरी, ट्रेन आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ओके? लेकिन गट्टू चिंकी कहां मानने वाले थे, वो तो बेसब्री से दादी का इंतजार कर रहे थे। दादी तो मेरे साथ सोएगी। नहीं, मेरे साथ सोएंगी? ऐसे कैसे, वो सिर्फ मेरी दादी है। ये क्या, तुम्हारे अकेले की थोड़ी है, वो मेरी भी दादी है, है ना मम्मी? हाँ बाबा, वो तुम्हारी भी दादी है, वो तुम दोनों की दादी है। देखा, वो मेरी भी दादी है। हाँ, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा मेरी दादी है। नहीं, वो तुमसे भी थोड़ी और ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मेरी दादी है। और फिर से झगड़ा शुरू। दोनों ने मम्मी की नाक में दम करके रखा था। मम्मी, दादी मेरे साथ सोएंगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी के साथ नहीं सोएंगी, मैंने उनका कमरा तैयार किया है, वो उनके कमरे में सोएंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे। फिर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों अपनी दादी से पूछना, वो बताएंगी कि वो कहाँ सोएंगी। अगर दादी ने कहा कि वो उनके अपने कमरे में सोएंगी, तो दादी ऐसा कहेगी तो हम अपना कमरा छोड़कर उनके कमरे में सोने जाएंगे। दादी दादी दादी, बस दादी की ही रट लगाए बैठे हो सुबह से। गट्टू चिंकी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, दादी को ज्यादा परेशान नहीं करना, वो जितनी कहानियाँ सुनाएंगी उतनी ही सुनना और चुपचाप सो जाना। ऐसे ही बातों बातों में समय बीतता चला गया और दादी के आने का समय हो गया। पापा दादी को लेने स्टेशन निकल गए। जैसे ही पापा गए, गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े हो गए। बावले हो गए हो तुम दोनों, पापा पार्किंग में भी नहीं पहुँचे और तुमने दरवाजे पर डेरा जमा लिया। आधा घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े खड़े बातें करने लगे। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कब आएंगे। तभी अचानक पापा आ गए। पापा काफी हताश और नाराज मालूम हो रहे थे। वो अकेले आए और आकर सोफे पर बैठ गए। पापा के बैठते ही गट्टू चिंकी ने सवालों की बौछार कर दी। पापा दादी कहाँ है, आप अकेले कैसे, आप तो दादी को साथ लाने वाले थे ना? ये सुनकर पापा नाराजगी में बोले, सॉरी बच्चों, मैंने स्टेशन जाकर दादी को कार में बिठाया और कार घर की तरफ घुमाई। फिर क्या हुआ? हम पहुँच नहीं वाले थे कि तभी दादी बोली, गट्टू चिंकी मुझे बहुत सताते हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, निखिल के घर जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी को बहुत तेज रोना आ रहा था। फिर क्या, मुझे दादी को निखिल अंकल के घर छोड़ना पड़ा। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगे। कि तभी अचानक एक आवाज आई, बच्चों। रोते हुए गट्टू चिंकी के कानों पर एक प्यारी सी आवाज पड़ी और उन्होंने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके पीछे काफी सारा सामान लेकर सोसाइटी का वॉचमैन खड़ा था। दादी को देखकर गट्टू चिंकी दादी की तरफ भागे और रोते रोते दादी को बिलक गए। दादी रोते हुए गट्टू चिंकी को चूमने लगी। दादी क्यों चली गई थी आप निखिल अंकल के घर? हम आपको कभी नहीं सताएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप निखिल अंकल के घर जाने की सोचना भी मत। अरे किसने कहा मैं निखिल के घर गई थी, मैं तो बाहर वॉचमैन के साथ खड़ी थी। ये शैतानी तुम्हारे पापा की है। क्यों रे, क्यों सताया तूने मेरे बछड़ों को? सॉरी माँ, सॉरी गट्टू चिंकी, ये आइडिया तुम्हारे मम्मी का था, हम लोग बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहते थे। सॉरी बच्चों, आ गई है ना दादी, अब रोना बंद करो। मम्मी हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कट्टी। उसे छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। वॉचमैन सामान रख कर चला गया। दादी फ्रेश होकर आई और गट्टू चिंकी के सामने बैठकर एक एक पोटली खोलने लगी। दादी ने गट्टू चिंकी के लिए बहुत से उपहार लाए थे। उसमें गांव के खट्टे मीठे बेर, चटपटी इमली,
ढेर सारी देसी घी से बनी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने थे। ये कार मैं देवी माँ के मेले में गई थी ना, वहाँ से लाई। और ये गुड़िया तो मैं बनारस से लाई। पता है, गंगा जी में डुबकी लगा कर आई हूँ मैं। इस प्रकार एक एक पोटली खोलती गई और खा खा कर खिलौने देख देख कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया। थैंक्स दादी, लव यू। लव यू टू। ऐसा कहकर दादी ने दोनों को बाहों में भर लिया। गट्टू चिंकी दादी से बेहद प्यार करते थे और दादी को भी गट्टू चिंकी से बेहद लगाव था। तीनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। दादी, आप मेरे साथ सोएंगी? नहीं, मेरे साथ। अरे अरे, मैं तुम दोनों के साथ सो जाऊंगी। वो कैसे? मैं बीच में सोऊंगी और तुम दोनों मेरी गोद में, ठीक है? रात हुई तो गट्टू चिंकी दादी की गोद में सो गए। दादी, कहानी सुनाओ ना। कौन सी? जिससे नींद आ जाए वो, या फिर जिससे नींद भाग जाए वो? नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दादी, हमें रात भर आपसे ढेर सारी कहानियाँ सुननी है। अरे ना बाबा ना, तुम ऐसा करोगे तो मैं निखिल अंकल के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। अरे बछड़ो, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे? मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कहानी सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ ना। एक था राजा, एक थी रानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। क्या दादी, ये चीटिंग है, आप हमेशा ऐसा करती हो। ओके सॉरी, अब सच्ची मुच्ची की कहानी सुनो। विलासपुर के महाराजा के दो बच्चे थे, राजकुमार का नाम था गट्टू और राजकुमारी का नाम था चिंकी। दोनों दिन भर महल में इधर उधर भागते और दास दासियों के साथ शैतानियां करते फिरते। इस प्रकार कहानी शुरू हुई और कहानी सुनते सुनते ही गट्टू चिंकी सो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई और दोनों से लिपट कर सो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।